तो नमस्कार फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में 17 जुलाई को लॉन्च होने वाले Redmi K20 और Redmi K20 Pro के बारे में। फिलहाल हम यहाँ पर Redmi K20 जो है दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसका यदि हम बैक में देखें जो Redmi K20 Pro है, तो ये कुछ इस तरीके से जो है लुक दिखता है। इसका जो है कलर है बहुत ही चमकीला और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ पर हम आप पीछे देख पा रहे होंगे तो 3 कैमरा और 1 फ्लैश लाइट आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें इसके कैमरा की, तो 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल कैमरा जो है, जो 3 कैमरे से लेस है। और 6 GB रैम है और 4000 mAh की आपको बैटरी के साथ मिलेगा। इसकी आगे आपको पिक्चर क्वालिटी भी दिखाएंगे और आपको रेट भी इसका इंडिया प्राइस जो है बताने वाले हैं। यहाँ पर हम इसको जो है अभी ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इसकी जो है ये कवर ऊपर लगा हुआ है, Redmi K20 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको हम ऑन करते हैं तो बड़ा ही स्मूथ चलता है, एकदम जो है एकदम सटीक से काम करता है। इसमें जो स्पेशल है, बहुत ही कैमरा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसके कैमरे के यदि आप फीचर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकेंगे ये जो है यहाँ से ऊपर से ये जो सेल्फी कैमरा है ये ऊपर से मोबाइल के अंदर से ही निकलता है, कुछ इस तरीके से। जैसे हम कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैमरा है वो निकल करके अंदर से बाहर की तरफ जो है निकल करके आता है। यदि हम कैमरे की बात करें ये कितने जो है पिक्सल का कैमरा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्रंट कैमरा है यानी कि जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 20 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। यानी कि दोनों फ़ोन में Redmi K20 और Redmi K20 Pro दोनों में सेम ही कैमरे हैं। यानी कि जो भी रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा है दोनों सेम ही है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 13 जो है मेगापिक्सल का जो 3 कैमरे हैं वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये जो सेल्फी कैमरा है ये बड़ा ही जो है अच्छा देखने को लगता है, यानी कि मोबाइल के अंदर से निकलता है। जैसे ही आप जो है कैमरा ऑन करते हैं और सेल्फी लेने के लिए तैयार होते हैं तो ये जो है मोबाइल के अंदर से निकल के आता है। यहाँ पर हम आपको कुछ सैंपल्स दिखाने वाले हैं। ये जो है Redmi K20 का है, ये वाला वी वाला जो है Redmi K20 Pro का है। ये आप देख सकते हैं दोनों की जो है इमेज क्वालिटी है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम यदि इनके बारे में कुछ बात करें, स्पेसिफिकेशन यदि हम देखें तो दोनों में जो Redmi K20 Pro है, K20 है, तो इनमें आप देख सकते हैं दोनों में जो है सेम ही कुछ मिलेगा। फ्रंट कैमरा यदि हम देखें तो दोनों में एक सा ही है, और रियर कैमरा देखें तो वो भी दोनों में एक जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और यदि बात करें हम इसकी रैम रोम की, तो यहाँ पर आपको दोनों में जो है रैम रोम सेम ही मिलेगी। यानी कि रैम 6 GB आपको दोनों में रैम मिल जाएगी। स्टोरेज की बात करें तो आपको जो है 64 GB की जो है स्टोरेज मिल जाएगी। बैटरी आपको 4000 mAh की जो है बैटरी मिल जाएगी, जो कि अच्छी है, बहुत ही आगे चलने वाली है। और यहाँ पर यदि आप OS की बात करें तो यहाँ पर एंड्रॉयड पी दोनों में है। रेजुलेशन की बात करें तो 1080x2340 पिक्सल की जो है दोनों में रेजुलेशन भी है। यहाँ पर यदि सिम की बात करें तो दोनों में नैनो कार्ड की जो है सिम डलती है, यानी कि छोटी वाली, और 3G दोनों में है, और 4G LTE जो है दोनों में है। और GSM की यदि बात करें तो K20 Pro में जो है ये देखने को मिलेगा। सिर्फ अनलॉक की बात करें तो फेस अनलॉक दोनों में है, फिंगर सेंसर अनलॉक दोनों में है, और ये जो है कंप्रेस मैग्नोमीटर जो है दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। मेन होता है प्रोसेसर। यदि हम प्रोसेसर की यदि बात करें तो जो Redmi K20 Pro है उसमें 2.8 GHz का जो है प्रोसेसर है, और Redmi K20 में 1.8 GHz का जो है प्रोसेसर है। यहाँ पर प्रोसेसर में जो है काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा, जो कि K20 Pro बहुत ही स्मूथ चलने वाला है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेसर कम है। तो ये कुछ इस तरीके से जो है फैन आपको जो जब आपको इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही फास्ट ये जो है शुरू हो जाता है, यानी कि इसको ओपन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यदि बात करें इंडियन रुपीज़ में इसको जो है प्राइस की, तो ये जो है 22,999 रुपये का K20 जो है आपको देखने को मिलेगा। K20 Pro की बात करें तो कुछ 25,000 के आसपास की प्राइस है। यदि आप इसको खरीदने की बात करें तो सबसे पहले आपको ये फ्लिपकार्ट पर यानी कि 17 जुलाई से जो है मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। यदि कोई सवाल है तो हमें कॉमेंट्स